गुड मॉर्निंग टू माई डियर स्टूडेंट, आई एम मिसेज आरती, टीजीटी इंग्लिश, अ फैकल्टी ऑफ सूरज स्कूल रिवाड़ी. वेल, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टूडे क्लास सेवेंथ पोयम, दैट इज द स्क्रिप्ट फ्रॉम द बुक हनीकॉम्ब. इन दिस पोयम द पोइट डिस्क्राइब अ लवली पिक्चर ऑफ द स्क्विरल. ही डिस्क्राइब द स्क्विरल इन हिज गार्डन हु इज ईटिंग अ नट. द स्क्विरल. यू मे have seen a squirrel sitting on a ground eating a nut. Here the poet is saying that you may see a squirrel who sits on a ground and eat a nut. What did it look like? How did it look like? Here a poet description of just such a squirrel. यहाँ पर जो poet है अपने description में किसके बारे में बता रहा है? Squirrel के बारे में बता रहा है. He wore a question mark for the टेल. ही किसको रेफर किया गया है? द स्क्विरल को. इट मीन्स द फर्स्ट थिंग द पोएट नोटिस दैट हिज टेल लुक लाइक अ क्वेश्चन मार्क एन ओवरकोट ऑफ ग्रे. द पोएट डिस्क्राइब हाउ द स्क्विरल कवर्ड इन अ ग्रे फर. हियर द पोएट टॉकिंग अबाउट द बॉडी ऑफ द स्क्विरल. इट कलर इज ग्रे विच लुक लाइक अ ओवरकोट. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. Now we know that squirrel love to eat nut. When he eat nut, he sit straight. He like to tease and play. And if we run around his tree, it means the squirrel love to play with the poet and his friend. Squirrel like tease and play when the poet run behind the squirrel. He is turn around and he just run other way. Then the poem explain is complete.